हाय गाइस, वेलकम टू टेली स्टॉक न्यूज 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीबीटीसी कंपनी के टारगेट प्राइसेस के बारे में, बीबीटीसी यानी बॉम्बे बुर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, जो कंपनी के शेयर प्राइसेस हैं अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट के नज़दीक हैं। क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। मार्केट कैप की अब बात करोगे, मार्केट कैप है 14,132 करोड़ का। करंट प्राइस जिस पर कंपनी कारोबार कर रही है 2,026 रुपये पे। 52 वीक हाई है 2,169 और 52 वीक लो है 970। स्टॉक पीई और इंडस्ट्री पीई देखें तो इंडस्ट्री पीई 37 के करीब है और वहीं स्टॉक पीई 20 के करीब है। इंडस्ट्री पीई के हिसाब से जो कंपनी के जो शेयर प्राइस है फिलहाल अंडर वैल्यूड है। बुक वैल्यू 670 रुपये है और करंट प्राइस देखें तो जो कंपनी के शेयर प्राइस है अपनी बुक वैल्यू से 3 टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, ये दिखाती है क्या डिविडेंड दिखाता है कि कंपनी कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्रॉफिट में है। आरओई कंपनी का अच्छा खासा है, आरओसी ठीक ठाक है, फेस वैल्यू 2 रुपये की है, ईपीएस 98 रुपये है। सेल्स ग्रोथ अगर पिछले 3 साल देखें तो कंपनी की जो सेल्स है 8.5% के हिसाब से ग्रो हुई हैं, वहीं पिछले 5 साल में कंपनी की सेल 8.5% के हिसाब से ही ग्रो हुई हैं। डेब्ट कंपनी पर 2,161 करोड़ का है। अगर डेप्ट टू इक्विटी रेशो देखें तो कंपनी पर डेप्ट का कोई भी दबाव नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 74% है। पीईजी रेशो के हिसाब से जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। वहीं ग्राम नंबर के हिसाब से भी जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। वहीं अगर क्वार्टर्स की बात करें तो जो कंपनी के इस बार के क्वार्टर्स हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहे हैं। अगर आप 2023 और 2024 के मार्च क्वार्टर को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे 1,334 करोड़ का लॉस पिछले क्वार्टर में कंपनी ने बुक किया था, वहीं आप इस बार देखोगे 526 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। वहीं आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी की सेल्स है वो इंक्रीज हुई है और इस बार देखोगे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% से सीधा सीधा 17% हो गया, जिसकी वजह से आप देखोगे नेट प्रॉफिट भी -534 करोड़ का 2023 में लॉस था, जो कि इस बार सीधा 1,737 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। जिस वजह से आप देखोगे हमें पिछले 1 साल में लगभग 100% के रिटर्न्स बीबीटीसी में देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम बैलेंस शीट देखें तो कंपनी लगातार अपने रिजर्व्स भी बढ़ा रही है। और आप डेप्ट देखोगे, डेप्ट सीधा सीधा 6,542 करोड़ से मात्र 2,161 करोड़ रह गया है। कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है। वहीं हमें इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 74% है, FIIs की हिस्सेदारी 9% है, DIIs की हिस्सेदारी 1.27% है, वहीं पब्लिक के पास 16% की हिस्सेदारी है। फंडामेंटली देखें तो कंपनी के जो इस बार के रिजल्ट रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सॉलिड रहे हैं। अब बात करते हैं बीबीटीसी के टारगेट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ बना हुआ है और फिलहाल जो कंपनी के शेयर प्राइसेस हैं अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट के नज़दीक है, यानी ब्रेकआउट जोन के पास है। अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है तो हमें 15% से 20% की रैली बीबीटीसी में देखने को मिलने वाली है। तो ध्यान रखना, जब भी अगर आप किसी में इन्वेस्ट करो तो स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट करो। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, स्टॉप लॉस रहने वाला है जो इस कैंडल का बॉटम, यानी कि 1,305 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है बीबीटीसी में। वहीं हम रैली की बात करें तो 15% से 20% का अपसाइड इसके अंदर पॉसिबल है, क्योंकि अच्छा खासा वॉल्यूम भी बना हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बता दूं, इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं थी, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। थैंक यू।